मोदी के नेतृत्व में पांचों ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन, साथ ही जिग्नेश मेवाड़ी के जल्द रिहाई की गई मांग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पांचों ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा गुरुवार को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार गुजरात की बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी के विरुद्ध एक ट्विटर को आधार बनाकर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 दिन के लिए जेल में निरुद्ध किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी द्वारा दलित नेता एवं दलित समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में अराजकता द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है। कांग्रेस सदैव सभी लोगों के साथ खड़ी है और जब तक गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को न्याय नहीं मिलता तब तक चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन आंदोलनों का दौर जारी रहेगा। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, राजकुमार साहू, महिप सिंह भुवाल, प्रवक्ता सुशील भारद्वाज, महामंत्री शिवकांत तिवारी, पासी अली, दौलत जोशी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जय पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं राष्ट्रपति के नाम। ज्ञापन इस प्रकार है कि गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार ने झूठा केस दर्ज किया गया है, दुर्भावनापूर्ण दर्ज किया गया है। वो एक दलित नेता है, उनके ऊपर केस दर्ज करके दलितों के ऊपर अत्याचार है, दलितों को दबाने की एक साजिश रची गई है, एक ट्विटर को आधार बनाया गया है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने शासन प्रशासन का गलत दुरुपयोग करते हुए भाजपा सरकार ने जिग्नेश मेवाणी के ऊपर केस दर्ज किया। हम कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज इनके कर्मों को पूरा देश भुगत रहा है। आज देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी में युवा परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू साधना है। उसको सरकार में आने के लिए किसी की भी तिलांजलि देने के लिए मोदी सरकार भाजपा सरकार कटिबद्ध है, जो कि निंदनीय है। विधायक जिग्नेश मेवाणी जी के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो झूठा केस उनके ऊपर लगाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल जी के द्वारा हम लोग आज कलेक्टर महोदय के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि भाजपा को समझ में आ गया है कि गुजरात में उनकी जमीन हिल चुकी है और जिग्नेश जी जो गुजरात में कर रहे हैं भाजपा उससे भयभीत है, वो दलित समुदाय को दबाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस जन जिग्नेश मेवाणी जी के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह से झूठे हथकंडे अपना कर लोगों को गिरफ्तार करते रहेगी, जनता वो सब देख रही है और आने वाले वर्षों में जनता उनको सबक सिखाएगी। गायक जिग्नेश मेवाणी को ट्विटर के आधार पे उनके ऊपर जुर्म कायम हुआ, क्योंकि वो दलित विधायक हैं और गुजरात के नेतृत्व करते हैं, उनके ट्विटर के आधार पे जो केस बनाया गया वो सरासर दलितों के खिलाफ अन्याय है। हम कांग्रेस जन एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जब तक इस केस को वापिस नहीं लेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।